हमें भी इनका जो नृत्य का दृश्य था उसको शूट करने का मौका मिला। किसने देखा था ये? हेलो आनंद नहीं था रखा तो ये देख ले कुछ एक आप बढ़ दे रोज काम है ना दो मिनट लाएंगे लाग जाएगी दोस्तों एक अद्भुत नजारा पहली बार आप स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए दोस्तों दो बड़े रेड स्नेक और क्या अद्भुत नजारा है। सावन का सोमवार है और बड़े दो रेड स्नेक आपस में मिलन कर रहे हैं। और दोस्तों इस पोजीशन में हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और थोड़ी देर के बाद ही इनको रेस्क्यू करेंगे क्योंकि ये घर के ठीक पीछे ही इनके बाड़े हैं वहाँ पर हैं ये और यहाँ पर खतरा तो है ही है बाइट का। देखिए दोस्तों मेरे चैनल पे आप ऐसा नज़ारा पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक सुंदर डाई लगी जैसे कबड्डी के खेल में लगती क्योंकि सतर्क हो गए थे और चलना शुरू हो गए थे तो फोन मैं ही शूट कर रहा था इसलिए फोन छोड़ के दौड़ना पड़ा थोड़ा सा जहरीले गोली पे नॉन मैन कोई नहीं। श्रावण का सोमवार दोस्तों और एक अद्भुत नज़ारा हम पहुंचे हैं गांव नरड़ में। मेरी कोई नहीं कोई एक मिनट बहुत गुस्से में है हुंकार मार रहे हैं सांपों का अद्भुत खेल मिलन चल रहा था और हमने इनको डिस्टर्ब नहीं किया इनकी पूरी वीडियो बनाई और फिर जब ये सतर्क हो गए चलना शुरू हो गए थे तब दौड़ कर पकड़ा वो सीन शूट नहीं हो पाया है। दो रेड स्नेक भारी भरकम एक मेल और एक फीमेल। और ये कितने दिन से दिख रहे थे जी पहले? ये तो एक सप्ताह से ये ऐसे ही इनको देख रहे थे दो रेड स्नेक। हरियाणा में घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं और देखिए ये ऐसे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि गई है और पिछली शिवरात्रि को भी हमने सेम ऐसे ही दो जोड़ा सांप शिवरात्रि को ही पकड़े थे और आज फिर सावन का सोमवार। दोस्तों हमें यही पूछते हैं लोग भैया आप सांपों का क्या करते हो आप सांपों को मारते हो तो क्या करोगे इनका क्या मारोगे इनको? ठीक है दोस्तों मारने के लिए तो हम पकड़ते ही नहीं है आपको ही पता है दूर जंगल में हम इनको छोड़ के आते हैं। इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल होते हैं उनमें छोड़ आते हैं और बड़े आराम से वहाँ रह लेते हैं। हमारा काम है लोगों से सांपों को बचाना और सांपों से लोगों को बचाना घरों से सांपों को सेक्सुअल रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ के आना और लोगों को सांपों के बारे में जानकारी देना कि अगर एक सांप को हम मार देते हैं या एक सांप हमारे हाथ से छूट जाता है तो दूसरे से हमें कोई भी खतरा नहीं होता है क्योंकि सांपों में याददाश्त नहीं होती है और उनको कुछ पता नहीं होता है किसने मारा किसने क्या किया। हाँ थोड़ा सा अपने साथी को ढूंढने के लिए उस दिन ये मोमेंट जरूर करते हैं हमें दिखाई वो देते हैं लेकिन उनसे उतना खतरा नहीं होता है जितनी हमारे समाज में अवधारणा है। ठीक है दोस्तों दो बड़े रेड स्नेक और गांव नरड़ जिला कैथल और काफ़ी दिन से दिख रहे थे आज मौके पर इन्होंने बुलाया। क्या नाम है जी? रामाचैल के घर के पीछे ये कई दिन से डांस करते हुए दिखाई देते थे और आज मौके पर बुलाया हमें भी इनका जो नृत्य का दृश्य था उसको शूट करने का मौका मिला।
ठीक है दोस्तों, एक बड़े भारी भरकम और करीब 10-12 साल की उम्र के दोनों सांप इनको पैक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करीब 6-7 किलो वजन हो चुका है और आपको अगर कहीं भी सांप दिखाई देते हैं तो हमारी तो गुजारिश यही रहती है कि सांपों को आप मत मारिए, क्योंकि भगवान ने बनाए हैं और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। किसान मित्र ये सांप होते हैं, चूहों को खाकर किसान के अनाज की ये रक्षा करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा काम आपको पसंद आता है, लोगों को जानकारी देना, लोगों की समय पर पहुँच के जान बचाना और लोगों का डर निकालना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फिर ऐसे ही रेस्क्यू के साथ हम मिलते हैं।